दुश्मन के घर में घुसकर उसके परखच्चे उड़ाना किसे कहते हैं, ये कोई यशस्वी जायसवाल से सीखे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इडन गार्डन्स में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने समा बांध दिया। सिर्फ 13 गेंद में आईपीएल की सबसे तेज 50 ठोक दी। 47 गेंद में नाबाद 98 रन बनाए। वो तो स्कोर कम पड़ गया, वरना शतक भी तय था। 208.51 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 5 छक्के और 12 चौके मारे। 150 रन के टारगेट को अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 13.1 ओवर में ही साध लिया। 9 विकेट की इस जीत के साथ अब राजस्थान पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने 149 रन का बचाव करने के लिए एक खास रणनीति अपनाई थी। वो खास रणनीति थी पहले ओवर में खुद को ही गेंदबाजी में लेके आना, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। यशस्वी ने पार्ट टाइम स्पिनर राणा को रिमांड पर लेते हुए उनकी हर बॉल को बाउंड्री के बाहर मारा। पहले ओवर से कुल 26 रन आए। इसके बाद तो क्या सीम बॉलर्स और क्या स्पिनर्स, सबकी पिटाई हुई। जूस बटलर कंफ्यूजन के चलते रन आउट हो गए, लेकिन तीसरे नंबर पर आए कप्तान संजू सैमसन ने 29 गेंद में नाबाद 48 रन बनाते हुए अपने युवा साथी का बखूबी साथ निभाया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने मैच में कुल 4 विकेट लेकर इतिहास रचा। अब वो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले गेंदबाज बन गए। चहल की उम्दा गेंदबाजी के बूते ही राजस्थान ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट पर 149 रन पर ही रोक दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का सही साबित हुआ। चहल ने बीच के ओवर्स में 3 गेंद में 2 विकेट लेकर केकेआर के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर को पवेलियन भेजा। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर कुल 4 विकेट चटकाए। मैच के बाद नीतीश राणा अपने आप से, टीम से, अपनी प्लानिंग से नाखुश दिखे। वो ये कहते दिखे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप जो कोशिश करते हैं वो बिल्कुल फिट बैठता है, और यशस्वी का आज वही दिन था। यशस्वी जायसवाल ने मैच के बाद कहा कि वो अपनी प्लानिंग पर स्टिक रहा। पहली गेंद से रन बनाने की इच्छा थी, हर शॉट को बाउंड्री के बाहर मारने का इरादा था, और संजू भाई के साथ मिलकर उन्होंने इसी को अंजाम दिया। अब राजस्थान रॉयल्स टॉप 3 में पहुंच गई है, और प्लेऑफ के लिए जो जंग है वो और कड़ी हो चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस 2 अंकों को गवाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। देखना यह होगा कि टॉप 4 की रेस कहां जाकर खत्म होती है। एनबीडी स्पोर्ट्स के लिए अंशुल तलमले की रिपोर्ट।